ये दृश्य आपको देख के लग रहा होगा कि किसी मेट्रो सिटी में इस प्रकार की तैयारियां चलती है, मगर ये आपके अपने भिलाई का अंडरब्रिज है। ये वो अंडरब्रिज है क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि भिलाई जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। ब्रिज के शुरुआती समय में ये ब्रिज लोगों के लिए नया है, इसका फॉलोअप कैसे करें ये लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो क्या शुरुआती दौर में यहाँ पर कोई जवान तैनात रहेगा अंदर में, ताकि कोई रॉन्ग साइड ना आ सके या कोई नियम का उल्लंघन ना कर सके? पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसमें केवल लाइटिंग लगना बचा हुआ है, साइनेज बोर्ड और कैट साइड लगना बचा है। ये काम 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि इस सप्ताह। हाइट और लेंथ की बात करें, क्योंकि काफी ऊंचा अंडरब्रिज होना है, बाकी अंडरब्रिज जो रहते हैं वो हैवी व्हीकल्स के लिए प्रतिबंधित रहते हैं, तो वो किस प्रकार से? इसमें जो ब्रिज को इस डिजाइन किया गया है कि इसमें सभी प्रकार के वाहन, यदि कोई तीर में आप जिस दृश्य को देख रहे हैं ये किसी मेट्रो सिटी का दृश्य नहीं है, ये किसी बड़े शहर का दृश्य नहीं है, ये हमारे और आपके अपने भिलाई की जगह है। भिलाई में जो सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण अंडरब्रिज का निर्माण हो रहा था, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त 2022 को हुई थी। 16 अगस्त 2022 को भिलाई टाइम्स ने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर सुपेला की जो रेलवे लाइन है उसको बंद कर दिया गया था ताकि यहाँ पर अंडरब्रिज का निर्माण हो सके, और वो निर्माण अब लगभग पूरा होने को है। अभी हम 30 अप्रैल 2024 में खड़े हैं और लगभग आज से एक हफ्ते के अंदर ये अंडरब्रिज आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तकरीबन 40 करोड़ की लागत से बना ये अंडरब्रिज, जिसका दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको तैयार किया गया है, किस प्रकार से इसको एक अच्छी खासी हाइट दी गई है और एक लेंथ इसकी काफ़ी लंबी है, और इसके अंदर साथ में साज सज्जा की भी तैयारी की गई है, जिस प्रकार से वॉल पेंटिंग की गई है। ये दृश्य आपको देख के लग रहा होगा कि किसी मेट्रो सिटी में इस प्रकार की तैयारियाँ चलती है, मगर ये आपके अपने भिलाई का अंडरब्रिज है। ये वो अंडरब्रिज है क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि भिलाई जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जिसे हम सुपेला क्षेत्र कहते हैं, जिसे आम तौर पर आम चलन की भाषा में पटरी उस पार कहा जाता है, और एक भाग होता है जिसे हम टाउनशिप का एरिया कहते हैं, जिसे पटरी इस पार कहा जाता है। तो पटरी इस पार और उस पार को जो मुख्य लाइन जोड़ती थी वो थी सुपेला रेलवे फाटक। आज से पहले जब किसी को सेक्टर से, टाउनशिप से सुपेला की ओर जाना होता था तो रेलवे फाटक का प्रयोग करते थे, और कई मिनटों तक, कई घंटों तक यहाँ पर इंतज़ार करते थे फाटक के खुलने का, ताकि वो सुपेला जा सके या सुपेला से इस पार आ सके। मगर अब वो इंतज़ार समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब अंडरब्रिज बनने की खबर आई 16 अगस्त 2022 को, जब रेलवे फाटक बंद किया गया तो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल था, एक लोगों के अंदर एक राहत थी कि अब ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अंडरब्रिज आखिर कब तक बनकर तैयार होता है, ये सवाल भी साथ में था, क्योंकि बड़े लंबे समय से इस अंडरब्रिज का काम चल रहा है, मगर काम देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, इस काम में समय तो लगना ही था। आपको साफ तौर पर बता दूं, सुपेला से जो टाउनशिप की ओर आएंगे उनके लिए दो मार्ग निर्धारित किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सुपेला से आने के लिए दोनों साइड में एक सिंगल रास्ता है, जो आप अंडरब्रिज के अंदर प्रवेश करेंगे, और जब आप अंडरब्रिज के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको बाहर निकलने के लिए पावर हाउस की ओर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में डिवाइडर बना दिया गया है। किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है कि लोग रॉन्ग साइड जा सकें। आपको राइट साइड आते हुए पावर हाउस की तरफ जाना है, उसके बाद अगर आपको सेक्टर 2 सेक्टर 1 की तरफ जाना है तो आप सीधा निकल जाएंगे, और अगर सेक्टर 5 सेक्टर 6 सेक्टर 7 इधर आना है तो आगे से यू टर्न लेके आप आ सकते हैं। और जो दूसरा साइड है, जो सेक्टर 5 और सेक्टर 6 से होते हुए आता है, वो सिर्फ प्रवेश के लिए। अगर आपको सुपेला की ओर जाना है तो इस मार्ग का प्रयोग करके आप अंडरब्रिज के अंदर एंट्री करेंगे और सुपेला की ओर निकलेंगे। और जिस प्रकार से अंडरब्रिज को तैयार किया गया है, लगभग 6 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ये अंडरब्रिज पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। साफ सफाई का काम चल रहा है, वायरिंग का काम चल रहा है, यहाँ लाइट लगाने का काम चल रहा है, और साथ में साइन बोर्ड, कुछ गिने चुने छोटे छोटे काम है जो बचे हुए हैं। और आगे हम ट्रैफिक DSP सर से भी बात करेंगे कि इस अंडरब्रिज को लेकर उनका क्या कहना है, कब तक ये अंडरब्रिज आम जनमानस को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल आप इसका दृश्य देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अंदर एक आर्टिफिशियल गार्डनिंग की गई है, जहाँ पर तितलियाँ, पेड़ पौधे और ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए कहा गया है, ग्रीनरी को मेंटेन करने का संदेश दिया गया है। और पूरे अंडरब्रिज के अंदर पेड़ पौधे, जानवर और ये सब तरीके की, और वायुमंडल की पूरी पेंटिंग करके एक बहुत अच्छे साज सज्जा तरीके से इसे तैयार किया गया है। ये अंडरब्रिज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ट्रैफिक DSP हमारे साथ मौजूद है, सतीश ठाकुर, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस अंडरब्रिज के बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं। हमारे साथ ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर सर मौजूद हैं। सर, बड़े लंबे समय से जिस अंडरब्रिज का इंतजार था वो अब लगभग शुरुआत होने वाली है, उसकी कब तक शुरुआत हो जाएगी और कितना काम बचा है?
निश्चित रूप से जो मुंबई हावड़ा रेलवे लाइन है और सुपेला अंडर ब्रिज, ये काम चालू हुआ था 2022 में और आज पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। और इसमें केवल लाइटिंग लगना बचा हुआ है, साइनेज बोर्ड और कैट साइड लगना बचा है। ये काम 3 से 4 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि इस सप्ताह सभी प्रकार के वाहनों के लिए, आम नागरिकों के लिए इसको चालू कर दिया जाएगा। और इसके चालू होने से निश्चित रूप से सुपेला में जो दबाव रहता था और जो चंद्रा मौर्या में और प्रियदर्शनी अंडर ब्रिज में जो दबाव रहता था वो काफ़ी हद तक कम होगा, लोगों का समय भी बचेगा, जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी और कम समय में अपने मुकाम में पहुंच सकेंगे। प्रियदर्शनी परिसर अंडर ब्रिज का उपयोग करके लोग कई बार रॉन्ग साइड भी आते थे सुपेला के लिए, क्योंकि जो 4 लेन है वो थोड़ा ख़राब स्थिति में है, तो वो भी उससे भी निजात मिल जाएगा बहुत जल्द। निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत रहेगी, जो चंद्रा मौर्या और प्रियदर्शनी अंडर ब्रिज का उपयोग करते थे वो काफ़ी कंजेस्टेड था। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस जो अंडर ब्रिज सुपेला अंडर ब्रिज में, इसमें हैवी व्हीकल्स और स्कूल बसों को भी इसमें आसानी से निकल सकेंगे, तो वो भी काफ़ी सुविधा रहेगी स्कूल बसों के लिए और जो आम नागरिकों के लिए, तो उसको देखते हुए इसको बनाया गया है। और इसमें खासियत ये रहेगी कि जो सुपेला अंडर ब्रिज की तरफ से आ रहे हैं उसमें बीच में डिवाइडर है ब्रिज के, अंडर ब्रिज के बीच में, और वो अपना बाहर निकलने के बाद उनको बाएं तरफ जाना होगा, यदि दूर तरफ जाना है तो यू टर्न करके ही जा सकेंगे। और इसमें रॉन्ग साइड मूवमेंट पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा और इसमें लाइट भी लगाया गया है, इसमें साइनेज बोर्ड भी लगाया गया है और प्रयास रहेगा कि भविष्य में इसमें कैमरे भी लगाए जाए ताकि जो रॉन्ग साइड मूवमेंट है उसको कम किया जा सके। लोग आकलन लगा रहे हैं जिस प्रकार से ब्रिज का शेप है, तो जिसको बाईं ओर जाना है वो बाईं टर्न लेगा, जिसको दाईं ओर जाना है वो दाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको बाहर निकलना है वो बाईं ओर निकलेगा और जिसको एंट्री करना है वो दाईं ओर साइड से करेगा। हाँ, निश्चित रूप से यदि किसी को एंट्री करना है सुपेला की ओर जाना है तो वो जो दुर्ग से प्रियदर्शनी अंडर ब्रिज की तरफ से आके उसी रोड से प्रवेश कर सकेगा, और निकलने के लिए उसमें सुपेला अंडर ब्रिज से प्रवेश करके और बाएं तरफ जाके चंद्रा मौर्या तरफ जाके और वहां से ही यू टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रिज के अंडर ब्रिज में अंदर पूरी तरह से डिवाइडर है और डिवाइडर को पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है और किसी प्रकार का अंदर आपस में गाड़ियों का टकराव ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। सर, इसके हाइट और लेंथ की बात करें, क्योंकि काफ़ी ऊंचा अंडरब्रिज होना है, बाकी अंडरब्रिज जो रहते हैं वो हैवी व्हीकल्स के लिए प्रतिबंधित रहते हैं, तो वो किस प्रकार से हैं? इसमें जो ब्रिज को इस डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सभी प्रकार के वाहन, यदि कोई कमर्शियल व्हीकल है, हाईवे जा रहा है या फिर स्कूल बस है, वो सभी गाड़ियां इसमें अंडर ब्रिज से पार कर सकेंगी, क्योंकि चंद्रा मौर्या और प्रियदर्शनी अंडर ब्रिज उसमें हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं है, उसमें केवल छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कार ही पार कर पाती है। किंतु इसके चालू होने से जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सेक्टर तरफ गाड़ियां आती है, स्कूल बस जाती है जिसको अवंतीबाई चौक तरफ जाना है, वो सभी गाड़ियां इसमें जा सकेंगी। और निश्चित रूप से इसके चालू होने से जो नेहरू नगर का ब्रिज है, अंडर ब्रिज नेहरू नगर अंडर ब्रिज है, चाहे पावर हाउस अंडर ब्रिज है, उसमें भी काफ़ी हद तक दबाव कम होगा, क्योंकि स्कूल बस का जो जाती थी वो नेहरू नगर अंडर ब्रिज से जाती थी और जिसको घूम के जाना पड़ता था, और इसमें जाने से काफ़ी सुविधा इनको हो पाएगी। क्योंकि ब्रिज के शुरुआती समय पे ये ब्रिज लोगों के लिए नया है, इसका फॉलोअप कैसे करें ये लोगों को सिखाना पड़ेगा, तो क्या शुरुआती दौर में यहाँ पर कोई जवान तैनात रहेगा अंदर में, ताकि कोई रॉन्ग साइड ना आ सके या कोई नियम का उल्लंघन ना कर सके? हाँ, निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे ही ब्रिज चालू होगा रॉन्ग साइड मूवमेंट को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, और इसके लिए हम लोग ब्रिज के दोनों तरफ ट्रैफिक का स्टाफ भी लगाएंगे और साइनेज बोर्ड भी हर जगह, जो भी जितने भी साइनेज बोर्ड है उनको सुविधा के लिए कि किस तरफ जाने के लिए कहाँ किस रोड का उपयोग करना है वो सभी साइनेज बोर्ड भी लगाए जाएंगे, अंधेरे पर्याप्त रोशनी रहेगी और हमारा स्टाफ भी लगाएंगे, और यदि कोई बार बार मूवमेंट रॉन्ग साइड मूवमेंट करता है तो उसमें हमें कार्रवाई भी करेंगे। तो ये अंडर ब्रिज है, जैसे कि हम जिस ओर खड़े हैं आपको सामने एक पेट्रोल पंप दिखेगा, यहाँ से आपको एंट्री करनी है, ये एंट्री द्वार है, यहाँ से ही आप एंट्री कर पाएंगे, और जो दूसरी साइड है जो आपका पावर हाउस की तरफ खुलता है वहाँ आप एग्जिट करेंगे। किसी को अगर सुपेला की ओर से कोई आ रहा है तो वो उस साइड से बाहर की ओर जाएगा, और जो जिस साइड हम खड़े हैं सेक्टर 6 तरफ, उधर से एंट्री की ओर है, इधर से कोई एंट्री नहीं कर सकता, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और बीच में पूरी तरीके से, जैसे हमने आपको पहले दिखाया, बैरिगेटिंग की हुई है ताकि कोई रॉन्ग साइड ना आ सके, और जो भी रॉन्ग साइड आएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे कि DSP सतीश ठाकुर ने बताया कि इसमें कैमरे लगाने की भी कोशिश की जाएगी, प्रावधान रखे जाएंगे कि कैमरे लग जाएं ताकि कोई रॉन्ग साइड या फिर नियमों का उल्लंघन ना कर सके। आप इस ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बड़े लंबे समय से भिलाई वासियों को इस ब्रिज का इंतजार था, एक हैवी ट्रैफिक जो है वो अब उससे निजात मिलने वाला है, आप इस ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इसके डिज़ाइन के बारे में, इसके कंप्लीट होने के बारे में, इसमें लगे हुए लागत के बारे में, इसमें लगे हुए समय के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बन रही है हमारे साथ, और इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।